पीछे से। हेलो एवरीवन, आज आ रहे हम बारात में और एक्चुअली मुझे ना ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं इसलिए रास्ते में शूट कर रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और अभी मैं ना आगे जा कर के आपसे मिलती हूँ और आपको यहाँ की कश्मीरी जो भी वेडिंग है वो बताती हूँ, और आप दुल्हन को अपने बेस्ट विशेज जो है वो देना, और मिलते हैं फिर आगे बारात में। हमने पहले पिंक पिंक हमारे तो कोइंसिडेंटली मैच हो गया। कैसी हो? ठीक हो तू? और मतलब कैसी है? बस आने। यहाँ पे हम बारात का जो है वो वेट कर रहे हैं और सोचा तब तक चाय पानी कुछ कर लेते हैं, और वहाँ पे चाय पानी कर रहे हैं हम और बस बारात आने वाली है वही वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अंटी मिल गए हैं और बातें कर रहे हैं। तो हेलो करके दिखा, काफी सारे रिलेटिव मिल जाते हैं शादियों में, और कुछ तो एक आंटी को मैं भूल ही गई थी, पता उन्होंने मेरे को कितना किया, हमने वीडियो भी बनाई, उन्होंने अपने मोबाइल में बोल दी, मेरे मोबाइल में ना फोटो ये वाली ना बारात आने से पहले की क्लिप है, और आगे पीछे हो जाता है यार, बड़ी बहुत वीडियो बनाई थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के निकाल करके मैंने वीडियो की है, और जो बाकी बचेंगी क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो रही थी ना, तो इतनी फिर कोई देखता भी नहीं है, तो फिर देखते हैं आगे पीछे क्लिपिंग हो गई है, ढूंढने में बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। और ये है आंटी, और इन्होंने बोला कि मुझे, मैं ना भूल ही गई थी, मतलब याद, मतलब ऐसे पता था कि देखा है, बट इन्होंने उधर से ही बुलाया और बोला पहले तो मोबाइल में हमारा फ़ोटो खींच, मेरे मोबाइल में अपना और मेरा फ़ोटो खींच, फिर हमने फ़ोटो खिंचाया, काफ़ी सारी बातें भी की और बहुत अच्छा लगा पता। और ये हमारा रिलेटिव ही है, बट मैंने काफ़ी सालों के बाद देखे ना, मुझे याद ही भूल गया था, बट इनको याद है। और ये है मेरी ननद, और हम लगे हैं वेट कर रहे हैं हम बारात का, और बोल रहे अभी तक आई नहीं, 12 बज गए, मैंने 12:30 बजे ही आएंगे, तब तक दुल्हन तैयार हो रही होगी पार्लर वालर में, तो वही बातें कर रहे थे हम। मेरे बड़े मामा ससुर जी की बेटी है, तो वही हम बातें कर रहे हैं। सच बताऊँ ना, ये आंटी इतनी स्वीट है ना, जिसका हिसाब ही नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे से मेरे से ट्रीट कर रहे थे, मेरे से बातें कर रहे थे, मैं क्या ही बोलूं, बहुत ज़्यादा अच्छे, काबिले तारीफ है। अभी ना दुल्हन जो है एंट्री का पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि ढूंढने में बहुत 200-300 से भी ज़्यादा हमने वीडियो बना दी, और पता नहीं कहाँ चला गया वो एंट्री वाला ना, तो चलो कोई ना, अभी यहाँ पे स्टेज में आ चुकी है दुल्हन, और प्यारी लग रही थी दुल्हन, और दूल्हा भी प्यारा है, बहुत अच्छा है दूल्हा भी। चलो, माता रानी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, पता है दुल्हन के पापा नहीं है, बट उनकी कमी मतलब तो कोई पूरी नहीं कर सकता, बट जो इन्होंने मतलब किया है ना, मतलब कि क्या बोलूँ, काबिले तारीफ था, इन्होंने बहुत अच्छे से फंक्शन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से सब मैनेज किया था, और ऐसे भी प्यारी है, अच्छी है, लड़की भी बहुत अच्छी है और लड़का भी अच्छा है। और जीता जी, मैंने आप शादी में नहीं आ पाई, तो मैंने ना आपको पूरी शादी दिखा दी है भाई, लाइव टेलीकास्ट कर दिया है, तो देखो अभी मैं खा रही हूँ खाना, और खाने में बहुत सारा कुछ बना था, और अभी हो रहा है कन्यादान, चूंकि इसके चाचा चाची वगैरह कर रहे हैं, साथ में मम्मी और भाई, ये चारों मिलके कर रहे हैं, और चाचा की गोदी में बैठ के, मतलब जो बाप होता है ना उसकी गोदी में बैठ के कन्यादान जो है वो दिया जाता है हम कश्मीरियों में,
अभी ना यहाँ बैक साइड पे ना जो है वो कन्या दान हो रहा है, और अभी ना मन्नत को भेजा है कि वो थोड़ा सा ना वहाँ से वीडियो बना ले, तो जैसे वीडियो बनाती है आपको भी थोड़ा बताएंगे कि क्या होता है, है ना, कैसे होता है कश्मीरी तरह से कन्या दान वगैरह जो भी है मंडप में कैसे होता है, तो आपको बताएंगे। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे डांस, और यहाँ पे हमने गाना बंद कर दिया है क्योंकि हमें कॉपीराइट आ जाएगा, बड़ी वीडियो में कॉपीराइट आ सकता है ना, तो इसीलिए बंद कर दिया है। तो यहाँ पे गाना चल रहा था नची जो साडे नाल अनुदिल भी देंगे, तो वही गाना चल रहा था। तो अभी मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, और ये बहुत अच्छी दीदियाँ थी और इन्होंने बहुत अच्छी ना यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनवाई, और इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। तो अभी हो रहा है जयमाला, और क्योंकि कन्यादान के बाद ही जयमाला हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं लो मतलब ये शॉर्ट वाली वीडियो वाली बन गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है यार वीडियो मेरी सारी उथल पुथल, बट फिर भी मैंने कितनी तीन दो दिन से मेहनत ही किए जा रही हूँ ढूंढने में, तो भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। खासकर जीता जी का जो है वो मुझे मैसेज आया था कि लड़का राहुल जी जो है वो उनका रिलेटिव है, और शायद वो अहमदाबाद में रहती हैं, वो मेरी सब्सक्राइबर है पिछले 2 साल से, वो मेरी हर वीडियो पे कमेंट करती हैं, और उनके लिए स्पेशली ये ना मैं मतलब ढूंढ ढूंढ करके जैसे भी है मैं सोचूं कि उनको मैं दिखा दूं शादी पूरी भाई घर बैठे बैठे। और थैंक यू जीता जी, आप मुझे मतलब मेरी वीडियोस में इतना सारा प्यार देती हो, और पिछले 2 सालों से आप मेरे साथ बनी हुई हो। और यहाँ पे दूल्हे को खिला रही हैं सालियाँ, जो होती है मलाई हमारे में दी जाती है, खिलाई जाती है जो सिस्टर्स होती हैं।